स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो में। बलिया के सुराहा ताल में 1 जनवरी के दिन आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से नौका विहार कर रहे हैं लोग, और एक सुराहा लेक के अंदर इतना प्यारा सा व्यू आ रहा है। और आप लोग देख सकते हैं बोटिंग की जो प्रक्रिया है चालू हो चुकी थी अभी तक, और काफ़ी लोग इसका एंजॉय कर रहे थे। और यह बलिया में बोटिंग करते हुए एक साथ इतने लोगों को देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी। सेफ्टी की पूरी व्यवस्था के साथ सभी लोग लाल लाल लाइफ जैकेट पहने हुए हैं। कैसा माहौल था यहाँ का आप लोगों ने देखा? कितने सारे लोग एक साथ बोटिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं नौका विहार बलिया के सुराहा लेक में। यह है सुराहा लेक की खूबसूरती, और आपको और भी वीडियोस दिखाएंगे जिसमें सुराहा लेक के हर एक बारीकियों को दिखाएंगे। आज काफ़ी ज़्यादा कोहरा है, इस वजह से बढ़िया से लेक दिखाई नहीं दे रहा है, बट देख सकते हैं यहाँ पे फैमिलीज भी हैं जो पिकनिक की तरह एंजॉय कर रहे हैं आज के दिन। और अच्छा लगता है, हर एक ऐसा खुशियों का पल जिसमें पूरी फैमिली के साथ लोग एंजॉय कर पाते हैं, और यह एक स्पेशल डे होता है। यहाँ का माहौल आप लोगों ने देखा, और आज बोटिंग करने नहीं जा रहे हैं क्योंकि दो लोग होने चाहिए कम से कम बोटिंग करने के लिए, और दो लोग हम नहीं हैं, हम सिंगल हैं, और इस वजह से। और हमने कल बोटिंग कर ही रखा है, आपने वीडियोस देखा ही होगा, और जो नहीं देखा होगा जाके देख सकते हैं चैनल पे, हमारी वीडियोस पड़ा हुआ है। तो ऐसा कुछ माहौल था आज का यहाँ, और अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ वापस, और चलते हैं दूसरे पार्क में, जैसे बलिया का जो वन विहार पार्क है वहाँ चलेंगे और वहाँ का माहौल आपको दिखाएँगे। तो आप लोग बलिया से कौन कौन लोग हैं कमेंट जरूर कर दिया करिए आप लोग, क्योंकि अगर आप बलिया से देख रहे हैं तो हमें भी पता चलना चाहिए कि आप बलिया से हैं, और कौन कौन आया था घूमने वो कमेंट करिए, और आपका न्यू ईयर का स्टार्टिंग सेलिब्रेशन क्या था वो हमें बताइए। तो ऐसा कुछ माहौल था आज। छोटा सा जगह है, और ठंडी काफ़ी बढ़ चुकी है। डेली इस समय धूप निकल जाया करता था और कहीं ना कहीं कोहरा नहीं होता था, और आज कोहरा है और इस वजह से ठंडी भी काफ़ी ज़्यादा है, और मैं जैकेट डालना भूल गया आज, इस वजह से मुझे ठंडी लग रही है। तो आए थे हम भी बाइक से ही, बट आज बाइक से नहीं है क्योंकि बाइक भाई लेके चला गया, उसको जाना था अपने फ्रेंड्स के पास, इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ वापस। ठंडी बहुत ज़्यादा है, आप लोगों ने माहौल देखा सुराहा लेक का क्या माहौल था, और ठंडी में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अलाव को तापना। तो यहाँ पे कुछ भाई लोग हैं जो ठंडी दूर करने के लिए गर्मी लेने की कोशिश कर रहे हैं, आइए मिलाते हैं इन लोगों से। हाय बोलिए भैया। तो सभी लोग बलिया से ही हैं, और अच्छा इसी गांव के ही हैं, धरारा गांव के ही हैं। बसंतपुर 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 धरारा नहीं है क्या? बसंतपुर है अभी, थोड़ा थोड़ा फंसता है अभी यार ठंडी में। हाँ, अपनी ठंडी को दूर करने के लिए एक छोटा सा उपाय किए हैं भैया का हाथ आपके ऊपर से हट नहीं रहा है, ठंडी बहुत ज्यादा है ना। ठीक है भैया, अच्छा लगा आप लोगों से हमें भी मिलके, हम लोगों को भी अच्छा लगा, अच्छा लगा आपसे मिलके। सुराहा ताल का मैंने 4-5 वीडियो पहले बना रखा है, लेकिन आज भी देखने माहौल देखने आया था कि कैसा माहौल है यहाँ का, इसके लिए जल्दी वापस जा रहे हैं। क्या हुआ, पैसे कमाने का माहौल बताए हम लोग? हाँ अभी बता रहे, रुके बात करो। हाँ स्पेशली भैया मुझे छोड़ने के लिए यहाँ तक आए, जाना था इनको दूसरे रास्ते में बट यहाँ तक आए। ठीक है भैया, थैंक्स। इनको जाना था उल्टा दूसरे तरफ, देखिए वो वापस जा रहे हैं, बट वो मुझे छोड़ने के लिए यहाँ तक आए। ऐसे लोग मिलते हैं तो काफ़ी खुशी होती है। सुनील भाई आ गया हो रहा, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर हमारे तरफ से आप सभी को, हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। और ट्रैकर शिवा निकाल के बोले तो सुनाई दे। और ये
ट्रैकर शिवा हैं, शिवा भाई, इनके तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नया साल के। इस नए साल में आप सब लोग बहुत आगे बढ़ें और हमेशा खुश रहें। चलिए आप लोगों को लेकर चलते हैं हम लोग इस बलिया जिला का जो वन विहार पार्क है वहीं पे लेकर चलते हैं। आइए बैठिए सिंह भाई। कुछ भाई लोग बोल रहे हैं, एक बार हाय कर दीजिए। स्टैंड पर हम लोगों ने बाइक खड़ा कर दिया, वन विहार पार्क से 100 मीटर पहले एक स्टैंड है। अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं वहां का माहौल कैसा है। अभी सुनील भाई काफ़ी तैयारी कर रहे हैं ठंडी से लड़ने की। अभी तक ठंडी के साथ इनका एक जंग चल रहा था, अब पैदल हो गए हैं, ठंडी से लड़ने की एक तैयारी कर रहे हैं। तैयारी ज़रूरी है क्योंकि आगे बहुत अच्छा माहौल होने वाला है, रंग बिरंगा पूरा एकदम धरती सुनहरी अंबर नीला। सीक्रेट बात है ये, नहीं बताना सीक्रेट बात है, लेकिन ये उम्मीद रखे कि हर मौसम रंगीला होगा। हाय करिए भैया। हाय हाय हाय। हाँ भैया हैं जो स्टैंड वाले हैं। आगे चलते हैं और यहाँ का माहौल देखिए, फैमिली ग्रुप पूरा आया हुआ है और हर फैमिली को आज के दिन कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करने जाना चाहिए, अच्छा लगता है, एक नई एनर्जी मिलती है और नई शुरुआत होती है। हैप्पी हैप्पी वाली हैप्पी न्यू ईयर।